गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के नव निर्वाचित सभापति संत राज यादव ने कहा, किसान क्लब गठित कर किसानों तक पहुँचाई जाएगी शासन की योजनाएं। कृषि ऋण देकर किसानों का किया जाएगा आर्थिक उत्थान। बिहार चुनाव के मद्देनजर संपन्न हुई गोरखपुर और मुजफ्फरपुर जीआरपी के अधिकारियों की बैठक। चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों के रोकथाम के सहित मादक पदार्थों व धनागमन के रोकथाम पर बनी रणनीति, संबंधित अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। मंडलायुक्त ने महाराजगंज के कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कोरोना के चुनौतियों से लड़ने के लिए अधिकारियों को किया गया आगाह। चौक चौराहे पर लोगों को मास्क के प्रति किया जागरूक। मंडलायुक्त ने किया असुरन से महाराजगंज तक के निर्माणाधीन 4 लेन सड़क का निरीक्षण। कार्यों के धीमी गति पर जताई नाराजगी। कहा, अक्टूबर तक हर हाल में किया जाए निर्माण कार्य पूरा। शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर में 20 सितंबर को मां और बेटी को दिन दहाड़े मारी गई गोली के संबंध में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हत्या आरोपियों के फोटोग्राफ को किया जारी। सूचना देने वालों के नाम और पता अति गोपनीय रखते हुए एसएसपी ने की 25,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैग्नाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना अंतर्गत आयोजित हुई जनपद स्तरीय जागरूकता गोष्ठी। खेतों में पराली जलाने के दुष्प्रभाव पर हुई चर्चा। सीडीओ ने कहा, खेतों में पराली जलाने पर जुर्माना सहित हो सकती है विधिक कार्रवाई। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना जांच शिविर पर ड्यूटी कर रहे राजस्व कर्मियों की समीक्षा बैठक। कहा, टेस्टिंग से 6.5% से घटकर 4.5% पहुंची है कोरोना संक्रमितों की संख्या। एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में डायल 112 में तैनात महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों का 18 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न। प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। शहीद सरदार भगत सिंह की 113वीं जयंती के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद भगत सिंह के प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। श्रद्धा सुमन किया गया अर्पित। निजीकरण के विरोध में सैकड़ों की संख्या में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने निकाला मशाल जलूस, जताया विरोध। निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग। गोरखपुर में सोमवार को मिले 164 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 5 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 15,277, एक्टिव मरीज हुए 1489। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। नगर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए एसपीसीटी डॉक्टर कौस्तुम की अध्यक्षता में समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ की गई बैठक। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और महानगर के वार्ड संख्या 70 नगहा नंबर 1 के नागरिकों ने घोसीपुरवा में विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग।